पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि जब बच्चे डूलिंग करते हैं, मीन्स लार टपकाते हैं, तो वो कब तक सामान्य है, मीन्स नॉर्मल है, और कब अगर मीन्स अगर बच्चे की एज बढ़ रही है लेकिन फिर भी बच्चे डूलिंग कर रहे हैं, रुक नहीं रही है, तो फिर ये एक गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हमें हम जो आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि कब ये नॉर्मल है और कब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब बच्चे के जो डूलिंग करने का जो टाइम होता है, जब आपका बच्चा 3-4 महीने का होता है, ठीक है, तो बच्चा हल्की फुल्की डूलिंग कर सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वह एक नॉर्मल होती है। लेकिन जब बच्चा आपका 4 या 5 महीने का होता है या 6 महीने का होता है, उस टाइम में अगर आपका बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है, मीन्स लार टपक रही है, तब भी ये सामान्य है, क्योंकि उस समय बच्चे के टीथ निकलने वाले होते हैं, टीथिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा ड्रूलिंग कर सकता है। इसमें आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि मेरे पास आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर कि मैम मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग कर रहा है और हर वक्त करता रहता है। ठीक है, तो अगर वो मैंने जैसे बताया जब 3 या 4 महीने का बच्चा है तो नॉर्मल है, हल्की फुल्की बच्चा कर देता है कभी कभी, और अगर ये 5वें 6वें महीने में हो रही है, 7वें महीने में हो रही है, तो ये भी तब उस टाइम भी नॉर्मल है, क्योंकि जब बच्चे की टीथ निकलती हैं तो उस टाइम ये होना नॉर्मल है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट, कि बच्चा जब डूलिंग करता है तो ये एक उसका उसके डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं उसके विकास में हेल्प करता है, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल वरिड ना हो कि क्या होगा, मेरा बच्चा बहुत डूलिंग कर रहा है, ये भी उसके डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर ना हो, घबराएं नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपका बच्चा 8वें 9वें महीने का हो गया, 10वें महीने का हो गया, लेकिन फिर भी डूलिंग कर रहा है, तो देखिए 5-6 महीने से बच्चे के टीथ निकलने शुरू होते हैं और धीरे 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 निकलती रहती हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे के जो गम्स हैं वो सिरसराते रहते हैं, खुजली रहती है, दर्द रहता है, तो बच्चे कुछ भी टॉयज ले लेते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है आप आस पास में, कोई भी सामान है वो उसको लेकर च्यूइंग करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो लार तो टपकती ही है, साथ ही साथ उनको जो उनके मसूड़े हैं उसमें राहत मिलती है, उनमें जो पेन होता है, जो सरसराहट होती है, उसमें बच्चे को कुछ भी सामान च्यूइंग करने से आराम मिलता है, और ऐसे सिचुएशन में बच्चे का ड्रूलिंग करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी वरिड ना हो कि बच्चा 8-9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है, लार टपका रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा होता रहता है। कभी कभी माँ अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें अपनी डाइट में ले रही है, तो अगर बच्चा आपका फीड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चा ड्रूल कर सकता है, क्योंकि जो माँ खाती है वही दूध बनता है और वही दूध बच्चा पीता है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी बच्चा ड्रूलिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप बिल्कुल मत घबराइए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बच्चा करेगा, लेकिन उसके बाद ये फिर कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस टाइम पीरियड में ये नॉर्मल नहीं होता, मीन जब आपका बच्चा 1-1.5 साल क्रॉस कर चुका है, यानी 15 महीने से ऊपर का है, 1 साल हो गई और दो साल भी होने को आई है, 15 से 2 साल तक, यानी 15वां जो मंथ चलता है उसके बाद से लेकर 2 साल तक, 2 ईयर्स तक, मीन्स आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है फिर भी ड्रूलिंग कर रहा है, तब ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है, तब बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के होठों में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का जैसे किसी बच्चे के होठ मीन्स मिलते नहीं हैं आपस में, मुंह खुला रहता है। ठीक है, बच्चे के जॉ में जो जबड़े हैं उसमें दिक्कत हो सकती है, फेस की मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में जो बच्चा है एक्सेस में ड्रूलिंग करेगा। अगर बच्चा आपका 1.5 साल से ऊपर का है, 2 साल का हो गया है, तब ड्रूलिंग कर रहा है, तो ये फिर नॉर्मल नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे को फिर ये नुकसान करेगी। ठीक है, एक जब तक बच्चे के टीथ निकलते हैं उस टाइम तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी बहुत ये होती रहती है, लेकिन अब बच्चा ग्रोथ कर रहा है और फिर भी उसकी ड्रूलिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो फिर ये बच्चे को इफ़ेक्ट करेगा, बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि डॉक्टर आपको करने के लिए बोलेंगे, वो आप फॉलो करें, उससे जो बच्चा बहुत अधिक मात्रा में ड्रूलिंग कर रहा है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे कि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इतना बड़ा बच्चा हो गया फिर भी ड्रूलिंग कर रहा है, तो ये बच्चों के फेस की मांसपेशियों में या बच्चे के जबड़े में या फिर बच्चे के होंठ नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज डॉक्टर बताते हैं, उससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ठीक, ड्रोलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ ओरल मोटर थेरेपी देते हैं, जिसमें कि गाल, होंठ और जबड़े इनको मैच करने मीन्स मिलाने की कुछ एक्सरसाइज होती है जिसको ओरल मोटर थेरेपी कहते हैं। उसके द्वारा जो डॉक्टर है इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देते हैं, जिससे कि आपका बच्चा ड्रोल नहीं करेगा। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐसे जो आप फ्रूट्स ना दें जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक अगर बच्चे खा लेते हैं फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी फूड खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे ड्रूल करते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया तब भी बच्चे की लार बाहर निकलने लगती हैं, तो ये चीज़ें आप स्टॉप कर दें। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि जो जो थेरेपी है ओरल मोटर थेरेपी, उसके थ्रू ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है, तभी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो पाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में ऐसी कोई दिक्कत है, तो बिना देरी किए आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें और बच्चे का वो ट्रीटमेंट आप शुरू करा दें, ताकि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर वो एक इन्फेक्शन सा बच्चे के फेस पर गर्दन पर जब हर वक्त वो टपकती रहती है तो इन्फेक्शन तक बच्चे को हो जाता है, तो उससे आपका बच्चा सेफ रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़, अगर मेरी जो बताई हुई बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।